लफड़े का काम लगता है। मैंने समझाया आप इन सब में नहीं पड़ती। बैठाओ, आ रही हूं। वो इज्जत से केबल का धंधा करना चाहता हूं, पर मेरे को वो अपने एरिया में पैर रखने नहीं दे रहा है। जब देखो ताव में आ जाता है। प्यार से समझाता हूं तो भाई लोगों की धमकी देता है, इसलिए हार करके आपके पास आया हूं। उसको बोलो इतवार का नाश्ता मेरे घर पे। मुंबई के नंबर 8, 3 और 10 इन जगह पर मेरी ही लाइन जाती थी, अब बीच में ये आ गया चोच मारने को। खाने के टाइम पे झगड़ा नहीं तो क्या करूं, मेरे धंधे की तो उन एरिया पे तुम्हारा नाम थोड़ी ही लिखा है। ए तो शाना मत बन, समझाओ क्या तेरे को। अपने इस घर की दीवारों को सिर्फ मेरी ऊंची आवाज की आदत है। मोहम्मद अली रोड से तारदेव का एरिया तुम्हारा, बाकी में तुम खेल लेना। मेरी इज्जत और मेरा धंधा मेरी जबान से ज्यादा है, तुम्हारे धंधे पे कोई आंच नहीं आएगी। पर मैडम, अब इससे ज्यादा समझाने के लिए ना मेरे पास सब्र है ना लव्स। मोहम्मद अली रोड का लफड़ा समझाने के लिए दुबई से कॉल आएगा तुम्हें, चलेगा? अब तुमने मेरा नमक खा लिया। पैसे की बात खालिद से कर लेना। ऐसी कितनी सुलह कराते कराते कुछ ही सालों में जयराज लेन की चौल से सीधे गॉर्डन हॉल के प्लश फ्लैट में पहुंच गई हसीना पारकर, जहां बकायदा दरबार लगता था इनके घर। पत्नी के झगड़ों से लेकर बिजनेस राइवलरी तक ऐसा एक भी डिस्प्यूट नहीं जो इन्होंने सॉल्व ना किया। अचानक से सातवीं जमात पास हसीना पारकर मुंबई की सबसे महंगी और भरोसेमंद आर्बिट्रेटर हो गई, और आप बन गई हसीना से हसीना आपा, नागपाड़ा की बड़ी बहन। मुंबई में भाई तो बहुत बने, पर आपा सिर्फ एक है ना। लोगों ने इज्जत बख्शी, मैंने कबूल की। और आपके भाई ने यही मौका देखा अपना मुंबई का सारा बिजनेस आपको सौंपने के लिए। हेलो बेटा, आज तक तू इन सब कामों से दूर रही है, मत कर। क्या किसी भी चीज की कमी होने दी है मैंने तुझे? बिना मांगे बहुत कुछ मिला है भाई, कुछ चीजें जो सोची भी नहीं थी। मैं जानता हूं कि मेरी वजह से मैं आपको किसी बात के लिए जिम्मेदार नहीं ठहरा रही, पर हम दोनों इनकार नहीं कर सकते कि मेरी जिंदगी के हर कदम पे आपके पैरों के निशान हैं। जैसे आप चाहकर भी उन्हें मिटा नहीं सकते, वैसे मैं भी चाहकर अपने पैर पीछे हटा नहीं सकती। पर क्या हासिल होगा ये सब करके? मैंने आपसे एक सवाल किया था जिसका जवाब आपके पास नहीं था। मुझे अफसोस है आपके इस सवाल का जवाब मेरे पास नहीं है। अल्लाह हाफिज। फिर तो आपके भाई को बेशक पता होगा कि ये बिल्डर्स के बीच में सेटलमेंट कराते कराते आप खुद रियल एस्टेट बिजनेस में चली गई। जी। तो फिर तो मुझे कोई वजह दिखाई नहीं देती और ऑनर कि वो अपनी गैर कानूनी प्रॉपर्टीज की देखरेख इनको ना सौंपे। Mrs. Satam, when will you get this?
मेरी क्लाइंट सिर्फ एक रियल एस्टेट एजेंट है। रियल एस्टेट एजेंट कमीशन या ब्रोकरेज लेते हैं, प्रोटेक्शन मनी नहीं। अगर मेरी क्लाइंट के पास कोई सेटलमेंट के लिए आता है और उसके लिए फीस चार्ज करती है, दैट इज नॉट प्रोटेक्शन मनी। कल को आप कहेंगे कि आर्बिट्रेशन फीस भी प्रोटेक्शन मनी है, देन इवन वी लॉयर्स शुड बी कन्विक्टेड फॉर दैट, योर ऑनर। सेटलमेंट आगे की प्लानिंग थी, अपना होल्ड कायम करने के लिए, मोनोपोली, डर फैलाने के लिए, इतना कि साउथ मुंबई में कोई भी बिल्डर अपना प्लॉट खरीदना या उस पर कंस्ट्रक्शन करना तो दूर, इनकी मर्जी के बिना इनके एरिया में कोई अपना घर बेच तक नहीं सकता। देखिए फतिमा भी, मैं ज्यादा से ज्यादा आपको पैसे दे सकती हूँ या दूसरा घर ढूंढने में मदद कर सकती हूँ। मेरे शोहर को लकवा हुआ है, अब इस उम्र में मैं उन्हें कहाँ लेकर जाऊंगी? अम्मी, इनका एक ही बेटा था जो दंगों में मारा गया, मोहल्ले वाले ही इनका खानदान है, कैसे जी पाएंगी बेचारी? फातिमा बी को मेरी बेटी खाला बुलाती है। पॉइंट पे आइए, यहाँ लीटर में पसीना बह रहा है। दिस कंट्री मैन। उनके हालात समझिए, वो घर कैसे खाली करेंगे? आई एम NRI इन्वेस्टर, मैं यहाँ प्रॉफिट के लिए आया हूँ, चैरिटी के लिए नहीं। कोई बीच का रास्ता हो सकता है, घर खाली करे या 20% बढ़ा कर दे। यानी खाली ही करे। आप जानते हैं वो इतना महंगा किराया नहीं दे सकती। That's not my problem. मैं यहाँ दुबई से आया हूँ, प्लेन में आना जाना पड़ता है। आप लोग ने तो नाम भी नहीं सुना होगा। और हाँ, हम लोग वहाँ दिमाग से सोचते हैं, दिल से नहीं। Not like India. आप होती कौन है? होती कौन है आप मुझसे ऐसे बात करने वाली? ओ भाई, तमीज से बात कर। खालिद, सुना नहीं इनके पास दिमाग है? इन्हें ये बोलने का हक है भाई। आपका भाई अशफाक है तो हसीना आपा का सलाम बोलना। What आपा? आपा याद रह गया ना, नाम याद रखने की जरूरत नहीं। खुदा हाफिज। मैं बैठ सकता हूँ? थैंक यू। खुदा ने इतने पैसे दिए हैं तो थोड़े से पैसे के लिए किसी को घर से क्यों बाहर निकालना? वो आपने उस दिन बताया नहीं कि आप कौन हैं? मैं जानती थी आप प्यार से मान जाएंगे। आखिर खुदा ने पैसों के साथ दिमाग भी तो दिया है आपको। मैं तो एक्चुअली रेंट कम करने की ही सोच रहा था, 2000 रुपए से। मेरा मतलब है 5000 रुपए से भी कम। मुझसे कोई गलती हो गई हो तो आई एम सॉरी। वो क्या है ना कि मेरी
पूरी फैमिली दुबई में रहती है। आप वहाँ फोन करके मेरी शिकायत कर देंगी तो आप ऐसा नहीं करेंगे ना? हमने तो दुबई का नाम भी नहीं सुना ना? मैं चलूं? फातिमा जी, क्या फरहान काजी ने आप पर जबरदस्ती की थी अपना घर खाली करवाने के लिए? क्या कहा आपने? नहीं। उन्होंने आपको नोटिस दिया था या नहीं? हाँ, नोटिस दिया था, पर इस उम्र में मैं अपने बीमार शोहर को लेकर कहाँ जाती? इसलिए आप हसीना पारकर के पास गई। एक भला एनआरआई हक से अपना फ्लैट बेचना चाहता था, पर इनके डर की वजह से फ्लैट बेचना तो दूर, उसने किराए में भी अपना नुकसान किया। अब ये एक्सटॉर्शन नहीं तो क्या है? अब वो मेरी दरख्वास्त को धमकी समझ बैठे, इसमें मेरी क्या गलती है? शब्दों में अदालत को मत उलझाइए हसीना जी। आप ही बताइए, क्या मैंने उस आदमी के सामने भाई का नाम इस्तेमाल किया या सर पे बंदूक रखकर धमकी दी कि घर मत बेचो या सिर्फ मुझे बेचो? फिर एक्सटॉर्शन कैसे हुआ? धमकी तो आपकी दुआ सलाम में ही थी। क्या आपके पास इसकी एफआईआर की कोई कॉपी या कोई विटनेस है? मिसेस आटम, क्या आपके पास इसकी एफआईआर की कोई कॉपी या कोई विटनेस है? सर, आई थिंक आई एम मेकिंग ए फेयर पॉइंट। मिसेस आटम, आपके पास कोई मटेरियल एविडेंस है ये साबित करने के लिए कि हसीना पारकर ने उसे कोई धमकी दी या उसके साथ कोई जबरदस्ती की? सर, डर के मारे मुंबई आना तो दूर, वो एनआरआई दुबई से ही कहीं भाग गया, कहां है किसी को कुछ पता नहीं। पर सर, अगर इनकी डर की वजह से कोई सामने नहीं आएगा तो... आगे बढ़िए और अगला विटनेस ले आइए। माय नेक्स्ट विटनेस इज इंस्पेक्टर अमोल सालुंके। सालों के आप कितने सालों से नागपाड़ा पुलिस स्टेशन के इंचार्ज हैं? 8 साल। इस दौरान कभी भी वहाँ हसीना पारकर के खिलाफ कोई कंप्लेन? एक दो आई, पर वो भी इसलिए क्योंकि कंप्लेन करने वाले को अंदाजा ही नहीं था कि ये कौन है, क्योंकि जो इन्हें जानता है वो तो कभी ऐसी हिम्मत करेगा ही नहीं। किसने की थी कंप्लेन? एक दो बिल्डर ने की थी, कुछ गुंडों ने घुसकर उनके ऑफिस में तोड़फोड़ की, कभी वसूली के लिए या इनके नाम प्लॉट कराने के लिए। गुंडे हसीना पारकर ने भेजे थे? हमको कॉन्फिडेंस हो तो भी क्या, अरेस्ट होने पर या तो गुंडे अपनी जबान पलट जाते थे या बिल्डर, कि गुंडे हसीना पारकर ने भेजे हैं। तो इसलिए आपने कोशिश ही छोड़ दी? स्पेशल इन्फॉर्मर छोड़े थे, एक बार तो ऐसा लगा कि ये ताबे में आ गई हैं, पर कोई इन्फॉर्मेशन मिली? इनके खिलाफ नहीं, ये जिससे अपना काम करवाती थी उसके खिलाफ। इनका बेटा दानिश, दानिश एक नॉर्मल ट्रेडर था जो जब जी में आए किसी को भी मार देता था। सर, प्रोसिक्यूशन इज मेंटली केसवानी, डिफेंस को क्रॉस एग्जामिनेशन का मौका दिया जाएगा। यू मे प्रोसीड। ताकत से बड़ी लत नहीं होती, और उसको बनाए रखने के लिए कोई किसी भी हद तक जा सकता है, और आपका बेटा दानिश दोनों वो हद पार कर चुके थे। नागपाड़ा से लेकर डोंगरी तक कोई वो जगह हासिल नहीं कर पाया था जो इनके भाई ने की थी, और भाई का भांजा होने के नाते दानिश के लिए ये काम आसान था, और ये उसकी नहीं इनकी ताकत बन गई, जिसे इन्होंने जब चाहा किसी को भी धमका कर अपना काम निकलवाने के लिए इस्तेमाल किया। मेरा हाजी आ रहा है, भाई का भांजा, देखना कैसे ले आ गया मेरा भाई। मैनेजर, दुबई से इनकमिंग कितना लगता है मालूम है क्या? दिल मैं ही भर दूंगा। yeah.
कितना जानती है आप दानिश को, और कितना जानती है आप इस इंस्पेक्टर को। तुझे आयला, तेरा हर इंफॉर्मेशन तेरे ही तरह नल्ली है। अपने माल के लिए इतना पैसा लेके गया तू, पिछवाड़े में डालकर की खेती करता है क्या? नहीं नहीं साहब, ऐसा नहीं है, मेरी जबान का भरोसा करो साहब। अच्छा, उधर भाई का भांजा और उसके टपोरी लोग रोज मिलता है। उधर कुछ बड़ा प्लानिंग चल रहा है साहब। हाँ हाँ साहब। तो टिपला, बकर करने के लिए नहीं रखा तेरे को, समझा? दादा बनना चाहता है भाई का नाम देने की हिम्मत कैसी हुई तेरी? कितनी बार कहा है तुझसे दूसरे के फटे में हाथ मत डाल, समझ नहीं आता तुझे? पर अम्मी वो मेरा दोस्त है। दोस्त? तेरी माँ है, बीवी है, बहन है, ये सब कारस्थान करने के पहले हमारा ख्याल नहीं आया तुझे? एक दिन अपने दोस्त के चक्कर में मारा जाएगा, तेरे डर में आधा दिन गुजर जाता है। कब सुधरेगा तू? काफी खा लिया इसने आज, खाना मत देना। पहले आप? मैंने खा लिया। आप कहती हैं मैं आपकी कोई बात नहीं मानता, तो ये कैसे मान लूं? तुझसे ज्यादा दर्द मुझे होता है जब मारती हूं, पर मारू नहीं तो क्या करूं? अपना डर जाहिर करने का और कोई तरीका नहीं आता मुझे। तुझे खोने से डरती हूं, मेरे भाई, तेरे अब्बा, हमारे खानदान वाले सब चले गए, मेरे आगे पीछे बस तू ही है। तू इस घर की जिम्मेदारी नहीं समझेगा तो किससे उम्मीद रखूं? अम्मी, जिस तरह मैं फक्र से बोलता हूं ना कि मैं हसीना आपा का बेटा हूं, अम्मी एक दिन आप भी फक्र से बोलोगी कि दानिश मेरा बेटा है। ये मेरा आपसे वादा है।